डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन अपने पति बो टेनबर्ग के साथ दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल और लाल किले का दीदार करने के लिए पहुंची। बता दें कि वो सुबह ही ताजमहल पहुंच गई थी, जहां उन्होंने ताजमहल के दीदार किया और उनके विजिट के चलते ताजमहल में सुबह से ही पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ताजमहल और आगरा किला का दीदार के लिए शनिवार रात ही आगरा पहुंच गई थी, जहां उनका एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया था और ब्रज के परंपरागत नृत्यों की मोहक प्रस्तुति भी पेश की गई थी। शनिवार रात उन्होंने ताजमहल पूर्वी गेट के नजदीक स्थित होटल अमर विलास में रात्रि प्रवास किया और सुबह होटल में नाश्ते के बाद वो ताजमहल देखने के लिए निकल गई। उनके विजिट के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी सुबह से ही ताजमहल में आम पर्यटकों का प्रवेश बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था और ऐसे में स्मारक में सुबह 7:30 बजे के बाद से ही किसी भी पर्यटकों को स्मारक में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी गेट भी बंद कर दिए गए थे, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि ताजमहल का दीदार करने के बाद उन्होंने लाल किले पर वो पहुंची, जहां लाल किले का भी उन्होंने दीदार किया और इस दौरान लाल किले में भी आम पर्यटकों के प्रवेश को बंद कर दिया गया था। आगरा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां आगरा पुलिस ने लाखों रुपए से गांजे से भरा एक ट्रक भी पकड़ लिया है। आपको बता दें कि देर रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली थी कि सया की ओर से 10 पहिया ट्रक गांजा लेकर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि ट्रक के नंबर प्लेट पर पंजाब का नंबर डला हुआ है और ट्रक के ऊपर रेती भी भरी हुई थी। पुलिस ने जैसे ही रेती उठाई तो त्रिपाल से ढके गांजे के पैकेट मिले और पैकेट का वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है, जिनकी संख्या करीब 140 है। आपको बता दें कि चालक और खालसी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई भी और जानकारी दी जा सकती है। वहीं बीती रात आगरा ग्वालियर हाईवे पर यह ट्रक पकड़ा गया था।